उसका एक पैमाना होता है, अगर वो पैमाना मेरे साथ फिट हो जाए तो मैं भी इस बिजनेस में बड़ा बन सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, पढ़ने के बाद में मैंने लोगों से मिलने के बाद में मैंने जाना कि सफल होने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी। जिस इंसान के पास ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा टाइम काम होता है, ज़्यादा टैलेंट होता है, तो वो लोग पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, आया ना। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि यार ये तीन चीज़ अगर मुझे ज़्यादा इकट्ठी करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, मेरे को कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और फैक्ट्री बिजनेस खोलूँगा तो यार मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से लेके आऊँ, टाइम कहाँ से लेके आऊँ, टैलेंट कहाँ से लेके आऊँ, रिस्क कहाँ से लेके आऊँ और कंपटीशन कहाँ से लाऊँ, आया ना। तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी तो बड़ा पैसा, बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो मेरे पास पैसा था ही नहीं, ठीक है। तो मैंने हिसाब लगाया कि यार मैं छोटा क्यों हूँ और लोग बड़े क्या है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद एक मेरे को फॉर्मूला समझ में आया। मैंने देखा अंबानी को भगवान ने कितने घंटे दिए एक दिन में, 24। हाँ जी सर, कितने दिए, 24। अच्छा जी, मनदीप कौर को कितने दिए, 24। अच्छा विचित्र जी को कितने दिए, 24। करम सिंह को, 24। फौजी को, 24। सबको 24 दिए, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी औकात अलग अलग है, सबका जो है पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है, सबका बैंक बैलेंस अलग अलग, आया नहीं सर। तो मैंने देखा जी साहब यार अंबानी ने क्या किया, अंबानी ने जॉब को क्विट करके एक बिजनेस को ज्वाइन किया और उसने बिजनेस को खोला और खोल करके उसने 100 लोगों को फैक्ट्री में काम दिया। अब एक आदमी से 8 घंटे काम करवाया तो उसने कितने घंटे काम करवाया। अब उसको अंबानी की चीज समझ में आई कि यार मैंने तो भगवान के दिए हुए 24 घंटे को 800 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अगर 24 घंटे के मैं 800 बना सकता हूँ तो मैं 8 लाख भी बना सकता हूँ। ये फॉर्मूला उसको समझ में आया और उसने फैक्ट्री पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया। आज उसके लिए 3 से 4 लाख लोग काम करते हैं, कितने, 3 से 4 लाख। अगर 1 लाख लोग पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो उसके लिए कितने घंटे काम हुआ, 8 लाख। कितने घंटे काम हुआ, 8 लाख। कितने दिन में, 1 दिन में। वेरी गुड। अगर मनदीप जी आप ड्यूटी करते हो आंगनवाड़ी में, अगर आप डेली 10 घंटे काम करते तो महीने में कितने दिन, 30 दिन, तो 1 महीने में कितने घंटे काम किया आपने, 300। 12 महीने में कितने घंटे काम किया, 3600। 20 साल में कितने घंटे काम किया, 72,000। कितने घंटे जी, 72,000। आपकी पूरी जिंदगी घंटे कितने हैं, 72,000। कितने हैं, 72,000। कितने हैं, 72,000। आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे 8 लाख घंटे कमाने, कितने जन्म, तब जा करके हम अंबानी जितना पैसा कमाए। वो 1 दिन की घंटे और हमारे 10 जन्म के घंटे बराबर है, भाई फर्क समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज मुझे भी समझ में आ गई कि जीत यार तुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे अंबानी जैसा बनने के लिए और 10 जन्म मैं लूंगा नहीं। तो मुझे भाई इसका फॉर्मूला समझ में आ गया कि यार अजीत तेरे को भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने नौकरी छोड़ी, छोड़ करके मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। और बिजनेस ये मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। तो क्या अच्छी बात लगी इस बिजनेस में।